भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भारी बहुजन महासंघ के नेता एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के संदर्भ में दिए बयान से उन्हें काफी विरोध झेलना पड़ रहा है। आजाद ने हिंगोली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रकाश अंबेडकर को महाराष्ट्र का नेता कहा था और स्वयं को देश का नेता बताया था। अगर प्रकाश अंबेडकर ईमानदारी से काम करे तो उन्हें महाराष्ट्र में सपोर्ट करने की बात आजाद ने कही थी, लेकिन उनके इस बयान से भारिप के कार्यकर्ता काफी क्रोधित है। सोशल मीडिया पर इस बयान की काफी विपरीत प्रतिक्रिया आ रही है। एडवोकेट प्रकाश उर्फ बाला साहेब अम्बेडकर कई सालों से देश के नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। ऐसे में महज कुछ सालों से सामाजिक संगठन चलाने वाले आजाद का इस तरह का बयान उनकी अपरिपक्वता को दर्शाता है। इससे पूर्व बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आजाद को बीजेपी आरएसएस का एजेंट करार दिया था। एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर के संदर्भ में दिए बयान के कारण मचे बवाल पर भीम आर्मी की तरफ से अभी तक कोई अधिकृत प्रतिक्रिया नहीं आई है।